ऊपर कुछ ऐसी चीज रखनी है जिसपे तू बैठ सके उसके ऊपर, लाइक बाल्टी तसला बाल्टी कुछ भी मतलब तुझे लगे, और प्रॉपर मतलब वो तो मेरे सामने करवाऊंगा मैं तेरे से डियर, क्योंकि कैमरा तो मैं पकड़ूंगा लेकिन हाँ वो कर ये करना है तुझे डियर। तो आज हमारा स्कूल का सिबलिंग डे है जिसमें सब साइन वाइन करते हैं स्कूल का, सो इधर देख लो हमारे दोस्त होते हैं सब, और ये सेजल भाई है हमारे, सेजल भाई ओपी बोलते हैं। सो अभी करते हैं ब्लॉगिंग, और अभी तो आज एग्जाम है, पहले एग्जाम देके फिर हम आपको दिखाएंगे छुट्टी का वाट, सो लेट्स गो। ये देखो हमारी हद होती है, हद ही होती है। आर यू ओके, आर यू फाइन? मोडीज मोडीज गाइस, ये है परेशान आत्मा और ये दुखी आत्मा, दोनों मेरे ही नसीब में है। क्यों भाई तुम मेरे ही नसीब में हो? दुखी हो तुम। सो गाइस अभी तो क्या बोलते हैं, हमारा प्लान कैंसिल हो गए जो प्लान थे हमारे, और क्योंकि हमारे स्कूल वाले बड़े वो हैं तो समझ जाइए आप। तो गाइस हम चल रहे हैं क्योंकि धूप की वजह से शॉट ख़राब हो गए थे, तो मुझे वापस शॉट लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि व्लॉग इज़ इम्पोर्टेंट, लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, लाइफ की माँ चुट जाए पर व्लॉग इज़ इम्पोर्टेंट। वैसा वैसे रिएक्शन आते हैं कभी कभी, तो मैं सोचता हूँ कि क्या हो रहा है। सही बता रहा हूँ, आदमी बोल रहे हैं ये क्या बकचोदी चल रही है भाई, उनको कैसे समझाए, ये हमारे धंधे हैं जो अभी मंदे हो रहे हैं। तो गाइस सब्सक्राइब कर दो। जय बालाजी, जय बालाजी। सो गाइस सब कुछ टेम्प्ररी है, पर मंदिर देख के हाथ जोड़ना इस परमानेंट। हम देखो कितना रिस्क ले रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, हमारी ऐसी तैसी भी हो सकती है, पीछे कोई विंडो से झुक गया तो मैं मेरी ऐसी हो जाएगी। सो कोई ना, हम ब्लॉग करते रहेंगे फिर भी, टूटे हाथ टूटी टांग टूटी लांग, टूटा 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 नहीं वो नहीं टूटना चाहिए, और सब टूट जाए, और सब टूट जाए पर वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मिर्जापुर भी देखी होगी आपने गाइस, वो बुड्ढा उसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मैं उम्मीद की बात कर रहा हूँ। उम्मीद उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, उम्मीद उम्मीद ही उम्मीद के लिए ही कह रहा था गाइस मैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था भाई, गलत मत लेना, उम्मीद के लिए ही कह रहा था। ओ माय गॉड, गाड़ी की माँ चुट जाती है, अभी मेरी वो माँ मैंने कर देता। व्हाट अ ब्यूटीफुल, कैमरा तो सही पकड़ लो, व्हाट अ ब्यूटीफुल बुलेरो, बुलेरो देख रहे हो क्या? मैं देखा लड़की देख रहे हो यार, सुपर शो भी दिखता है। यस गाइस, क्या कि हम कोई गाएंगे तो कोई गा दे, लेट्स गो। अच्छा देख रहे हो कैसे देख रहे हो, जाना टाइम नहीं इतना, क्या दे 30 रुपीज, ये क्या होता है भाई? गाइस देखो भैया जी लूट रहे हैं, गरीबी के चक्कर में मत पड़े, इतने से पोहे 10 रुपए के पोहे 30 में दे रहे हैं क्या मतलब कि भैया हमारे साथ धोखा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, कभी भी आओ ये रेट में दो दो थैले के बीच में खड़ा हूँ, फोटो वायरल कर दो, मेरी कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम, बंदी करता है ये, देखो आ गया 30 रुपए के, आ जाए यहाँ खा ले, ये पूरे खाएंगे। औकात से बाहर कोई चीज मिल जाती है तो इनको देखने को मिलता नहीं है। राजू भाई, राजू भाई के पोए नहीं, कौन से भैया के पोए है? श्रीदेव, श्री देवी रख लेते, श्री देवी तो गई ना। अच्छा राजू भैया, आपका नाम क्या है? छोटू गुजर है। अरे छोड़ भैया, हो गए बढ़िया, हो गया कैलकुलेशन आपका, चले अब लेट्स गो गाइस। रोड क्रॉस करने के टाइम पे दोनों तरफ देखे गाइस, फिर उसके बाद में ऐसे चूतियों को देखें। तो गाइस मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी बस में जाने की, मैं बहन के पकोड़े के लिए यहाँ पर रुका हूँ लो फ्लोर के लिए,
भाई अब लोफर आएगी कम से कम नहीं 15 मिनट के लिए, फिर यहाँ पर क्या बंजीरे बजाए भाई, बंजीरे बजाए भाई। उस तरफ देख बस आ चुकी है, कहाँ गई है वो सामने देख रेड कलर की वो भाई, हाँ केंदे भाई देखो ऐसी बात है, बहुत बढ़िया आदमी है मेरा, मतलब बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा। आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ बस सीधा कमला नहीं रुकती है, उससे पहले नहीं रुकेगी भाई। ये मैं हूँ इसको होगा, कैसे होगा इस, बस ये फोन देखते रहते हैं। स्कूल से आ गए हैं, पूरा आज का दिन एकदम चौपट हो गया। कारण मैं बताता हूँ, पूरा एकदम एक्सप्लेन करता हूँ कि सुबह क्या हुआ। सुबह का सबका प्लान था हम लोगों का कि हम स्केपिंग जो डे बनाएंगे उसका मतलब ये होता है कि सब एक दूसरे की शर्ट्स पे साइन करेंगे इन मोमेंट्स में। और वही था कि सर को वो पता चल गई कि हमको नहीं करना था, तो सर ने कैंसिल करवा दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारा जो 17 को फेयरवेल होगा वो कैंसिल हो जाएगा। सो यही है कि यार अच्छा नहीं हुआ यार, जो भी था मतलब मैं एकदम पूरा मोमेंट वगैरह सब बना के लेके गया था कि यार अपन ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। और भाई यही शिक्षा, देखो कुली बना रखा है महंगी महंगी बातें गाइस समझ में नहीं आती हमारे। ये वो करता है, ये इतना वो बनाता, ढेर बनाता है, इतने चूतिया ढेर बनाता है। ये क्या बोला सर, ये मैकडी बैठ जाओ सर की बोल रहा था कि 12 घंटे मैकडी 12 घंटे मैकडी बैठेगा, कौन देखेगा तो तू बता तेरे कौन देखेगा 12 घंटे मैकडी। सही है नहीं भाई, अगर डेयर बनाना ही है तो कुछ मतलब ऐसा बना जो सुनते के साथ ही ना फट जाए भाई, जो तेरी फटे करने की तो बात की बात है, तेरे सुनते ही फट जाए कि हुआ कैसे, पॉसिबल भी है करना, पॉसिबल तो सारी चीज़ है। कोई डेयर उसको बता ऐसा मतलब कि वास्तव में ही फटे, ठीक है अब कब तक करेगा ये होता है, समझ गया करना क्या है। हाँ मतलब पटाखा लगाना है उसके ऊपर बैठ जाना है, हटना नहीं है, हट रहा तो है ही नहीं, फिर मतलब क्या बैठना है तुझे, फील करना है उसका दबाव प्रेशर अंदर से और सर मेक श्योर करना किसी चीज पे बैठ रहा, डायरेक्ट मत बैठ जाना वरना फट जाएगी। हाँ सही, कपड़े फट जाए फिर अगर ऐसा करता है तो दूसरा डेयर है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तू डायरेक्ट ही बैठ जाता है तो फिर जो आफ्टर रिजल्ट होंगे वो तुझे दिखाना पड़ेगा कैमरे पे, जो तेरी वीडियो बन गई जो फट चुका है तुझे फिर वो दिखाना पड़ेगा कैमरे पे। इंस्टाग्राम पे सेंसिटिव होती है ना, वो नहीं दिखा सकते ना, देख लेना। चल सो गाइस अभी तो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि व्लॉग भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, सब मैनेज कर रहे हैं। सो इसी बात पे एक सब्सक्राइब बटन ऑन कर दो, और क्या है, सब्सक्राइब कर दो गाइस। एक बात कहूँ यार, टॉपर की आदत गंदी होती है भाई कसम से। एक बात बोलूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा और सर बोलूँगा हाँ सॉरी हाँ ऐसे होता है, ये भैंस की टैट हो जब आता नहीं है और फिर इतनी खुजली, मेरे को पता नहीं यार समझ में नहीं आता भाई। हम बैक बेंचर बढ़िया है भाई, नहीं आता तो सीधा मुंह पे कहते हैं भाई साहब नहीं आता तो नहीं आता बेंच, और मेरे जैसा बंदा तो ढीठ है भाई, नहीं आता तो नहीं आता, चुपचाप बैठा रहता है। क्या है यार यूट्यूब पर लोग सर बोलेंगे आधा क्वेश्चन बोलेंगे हाँ सर ऐसा होता, अरे भाई यार कितने चूतिए लोग हो यार तुम लोग, समझ में नहीं आता मुझे टॉपर्स का भाई। अच्छा है मैं टॉपर नहीं हूँ, आज मैं इसको पार्टी करा रहा हूँ, गरीब को तेरे पापा से पेटीएम कराना है, ये भी आया भाई। अभी सुनो जस्ट है ना, पापा से पेमेंट कराया है, इतनी गंदी हालत हो रखी है, खुद का पेटीएम भी नहीं है गाइस। बंटी आपका साबुन से लो है सो गाइज अभी तो 10% बैटरी बची है, सो व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने जितने भी बंदे हैं भाई बंधु उनको शेयर कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।